हमारे बैठे हमारे सरकार जो भी नेता बन के जाते हैं, इसका मंत्री बनते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि दूध का मात्रा अगर 15 किलो 20 किलो में है तो एक जानवर से महीना का हम लोग 10,000 रुपया कमा सकते हैं। भी चालू होता है और गंदा गिराता है, उसमें मत धराइए आप, यानी वो अच्छा चीज नहीं है। अगर उस शीशा की तरह चमक रहा तत्काल फायदा खोजे होंगे, प्याज लगाए कल से आना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कोई भी बिजनेस में कम से कम 2-4 साल आपको देखा। अब इस महीने में है कि दूध का कीमत नहीं है, पैसा नहीं, उस इनकम से खिला नहीं रहे हैं, और अच्छा इस महीने में है, एकदम होगा। चाहे गाय जितना भी हो, मायने वो नहीं रखता है, मायने रखता है दूध का कीमत। तो हम एक जानवर भी अगर दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूँ बिहार के पटना के बिहटा के मनेर में, और आज का जो वीडियो है काफी खास होने वाला इस महीने में, क्योंकि हम इस वीडियो में ये जानने वाले कि बिहार के डेयरी फार्म में क्या समस्याएं हैं, लोग किस समस्या से ज्यादातर जूझ रहे हैं, इन समस्याओं पर हमने इस वीडियो में बात कर रखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। इस डेयरी फार्म की शुरुआत आज से 4 साल पहले हुई थी, किस परिस्थिति में हुई थी, कहां से पशु खरीदारी किए थे, दूध कहां बेच लेते हैं, हर एक बिंदुओं पर हमने इस वीडियो में बात कर रखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बने तो आपको अपडेट भी मिलता रहे। तो आइए हम यहाँ के ऑनर से बात करेंगे और पूरी पूरी जानकारी लेंगे। इन्होंने अपने वीडियो में काफी अच्छा संदेश दे रहा है। अगर कोई भाई इच्छुक है और डेयरी फार्म करना चाहता है तो उसको किस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये बहुत सारे लोग वीडियो में नहीं बताते हैं, लेकिन आज के वीडियो में ये जानकारी होने वाली है। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका डेयरी फार्म कहाँ पर, ये बता दीजिएगा सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे डेयरी फार्म में आए और अपने चैनल के माध्यम से हमें पूछ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये चैनल, परिचय सबसे पहले बता दीजिए। परिचय मेरा हुआ, मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ, अभी वर्तमान प्रमुख पति हैं मनेर प्रखंड का, और ये श्रीनगर में गौशाला है, जगह का नाम श्रीनगर है। पिछले 4 वर्ष से इसको हम बना के चला रहे हैं। तो स्टार्ट किए थे क्या इतना ही बड़े लेवल पे किए थे या छोटे लेवल पे किए थे? नहीं, लेवल इतना ही बड़ा था। इतना ही बड़ा है। कितनी पशु से शुरुआत किए थे सर? पहले 10 भैंस लाए थे हम। अच्छा, 10 भैंस? जी, 10 भैंस लाए थे, उसके बाद फिर गाय भी हम रखना शुरू किए। अच्छा, तो आज देख रहे हैं इसमें से कुछ बिक्री भी किए हैं कुछ है। तो 10 भैंस कहाँ से लेकर के आए थे, खरीदारी कहाँ से किए थे? हम लोग वहाँ रक्सौल तरफ से जाके लाए थे, घूम घूम के देख के लाए थे। तो भैंस के साथ साथ फिर गाय क्यों लेकर के आ गए, इसके पीछे क्या कारण था? दूध की आवश्यकता था, हम लोग डेयरी का मेंबर है। अच्छा, डेयरी का नंबर है तो दूध की जरूरत था, उसके चलते हम लोग गाय का भी खरीदना अच्छा समझे कि दूध ज्यादा है। तो दोनों में बेहतर आपको मतलब कौन दिखा, गाय वाला दिखा अच्छा या भैंस वाला? दोनों बेहतर है, दोनों अपने अपने जगह पे। अगर गाय की तुलना किया जाए तो गाय भी अच्छा है, भैंस की तुलना किया तो भैंस भी अच्छा। तो इस लाइन का तो आपको अनुभव होगा नहीं सर, तो इसका मतलब आपको अनुभव कैसे मिला, कैसे अनुभव प्राप्त किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अनुभव, हम बहुत छोटे थे उसी समय से घर में पलता था। अच्छा, हम लोग जब हम लोग का आँख खुला उसको कहिएगा तो उस समय से हमारे घर में जानवर का रहता था, उसे देख के अनुभव हुआ कि चलिए 10-20-50 जानवर रखते हैं, इसमें अपना समय 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा बिताएंगे, इसी देख के मैंने किया। सर, 2-4 पशु रखने में और 20-50 पशु रखने में तो काफ़ी अंतर है। अंतर है इसलिए अंतर है कि अगर 2 रखते हैं तो खुद के कर लेंगे, 4 रखेगा तो स्टाफ रखना पड़ेगा। देखिए, हम 4 स्टाफ रखे हुए हैं। जी जी। तो उस स्थिति में स्टाफ की जो महीना होता है, भुगतान होता है, वो इसी के माध्यम से जाता है। अच्छा। और सबसे दिक्कत की यही बात है कि जानवर का आज के डेट में जो पशु का दाना का रेट हो गया है, दूध का उसका मात्रा बहुत कम है। जी। और यहाँ हमारे बैठे हमारे सरकार जो भी नेता बन के जाते हैं, इसका मंत्री बनते हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जी। इसलिए ध्यान नहीं देते हैं कि हम लोग के यहाँ जो भी व्यवसाय करने की सोच रखता है और कर भी लेता है, मगर धोखा यही खाता है कि सब चीज़ करने के बाद दूध का रेट नहीं मिलता है। अच्छा। जिसके कारण फेल हो जाता है। तो स्टार्ट जब किए थे, शुरुआत किए थे सर, तो मतलब क्या परेशानी आता था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा थोड़ा सा। शुरू आए थे तो परेशानी ये हुआ था कि आदमी उस समय बहुत कम था, सिस्टम बहुत कम था, अब तो धीरे धीरे बहुत सारा सिस्टम हो गया है, तो इसके कारण हम लोग को परेशानियाँ आई थी। और सबसे ज़्यादा दूध की रेट, हम लोग अगर साप्ताहिक हम लोग का पेमेंट आता है जी, सप्ताह में हम लोग 2.5 लाख 3 लाख का दूध देते हैं, और मालूम पड़ता है कि 2 से 2.5 लाख हम लोग का खर्च ही गिर जाता है।
तो उस स्थिति में हमें लगा कि नहीं, बहुत ख़राब चीज़ है, मगर शौक है, पर्सनल हम शौक से रखे हुए हैं कि चलिए इतना है, इसी में इधर उधर हो रहा है, कुछ पैकेट से भी लग रहा है तो लगाते हैं, कभी कभी महीने में कुछ आता भी है, कुछ जाता भी है। तो पशुओं के रख रखाव में क्या समस्याएं होती है सर? यहाँ समस्या नहीं है पशु के रख रखाव में, अभी तक हमारे साथ समस्या नहीं आया। आप देखिए सेटअप डाले हुए हैं, थोड़ा हाइट है, थोड़ा गर्मी के मौसम में आता है। इस बार अगर सोचे हुए हैं कि ऊपर से मैट लगाएंगे, ऊपर का मैट लगाएंगे तो कुछ तवेगा कम। इसके कारण कितना एरिया में आपका फार्म ये बना हुआ है? ये 8 कट्ठा। 8 कट्ठा बना हुआ है। लंबाई चौड़ाई देखा है तो कितना है सर? लंबाई इसका है 60 फीट, चौड़ा तो चौड़ाई चौड़ाई 60 फीट है। अच्छा। और लंबाई 140 फीट है, मतलब वहाँ पर दीवार तक। जी जी। अच्छा। तो अगर इससे और शेड का हाइट कितना ले रखे हैं सर? 16 फीट। 16 फीट का जी। अगर इस तरीके का शेड अगर कोई अभी बनवाना चाहे तो कितना खर्चा लगभग आ जाएगा अभी के समय में? अभी के डेट में वो बनाना चाहेंगे तो कम से कम 9 पूरा बाउंड्री अगर भी करा के अगर करते हैं तो लगभग 15 लाख रुपया आएगा उनको। और ये कितना फीट का मतलब जगह ले रखे हैं एक गाय का रखने के लिए सर? 11 फीट का रखे हुए हैं, 11 फीट चौड़ा रखे हुए हैं यहाँ तक है। और बीच में नाली दे दिए हैं? बीच में नाला दे दिए हैं 11 फीट। फिर उसके बाद खाने का तो नाद के बीच का कितना दूरी होगा? नाद के बीच की दूरी में फिर 6 फीट रखे हुए हैं। 6 फीट रखे हुए हैं, जो दाना वाना चलाने में ये चलाने में सुविधा हो। तो अब हम बात करते हैं, जैसे आप तो पटना जिला में है तो किस तरह की गाय मतलब खरीदारी करना पसंद करते हैं? गाय हम लोग को अभी तक देखिए, हम लोग को अभी तक गाय से यही निकल के आया है कि दूध का मात्रा अगर 15 किलो 20 किलो में है तो एक जानवर से महीना का हम लोग 10,000 रुपया कमा सकते हैं। अगर 20 किलो है तो अगर 12 किलो 10 किलो में आ गया तो समझिए कि घर से आपको जा रहा है। मतलब अगर रेगुलरली 20 किलो करेगी तब? हाँ, एक आध दो महीना गैप होता है तो मार्जिन लिया जाता है, मगर वही ज्यादा हो जाएगा, 4 महीना 6 महीना गैप हो जाएगा तो घर से जाना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास मतलब कितने से कितने लीटर वाली पशु अभी है आपके पास? अभी फिलहाल 28 लीटर। 28 लीटर से और सबसे कम वाली? 15 से नीचे कोई नहीं? कोई नहीं। अच्छा। तो जैसे इनके रख रखाव को अगर देखा जाए तो कैसे रख रखाव करते हैं, क्या खान पान देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। खान पान में हरा चारा देते हैं। अच्छा। और दाना होता है, 7 गो अनाज लेकर हम लोग पिसवा देते हैं। 7 गो अनाज में क्या क्या होता है सर? जौ हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया जी, उसी में 7 आइटम है, लेकर पिसवा लेते हैं, कुछ चना वगैरह होता है सब पिसवा देते हैं एक ही में करके। अच्छा। और एक जानवर को प्रतिदिन के हिसाब से 6 किलो दाना देते हैं। 6 किलो दाना प्रतिदिन कितना देते हैं सर? हरा चारा थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिलता है, मतलब माप के नहीं देते हैं? नहीं, माप के। और चोकर वगैरह मतलब क्या उसी 6 किलो में ही रहता है? अलग नहीं, वो अलग रहता है। अलग रहता है। अच्छा, कैल्शियम मिनरल भी देते हैं? हाँ, वो सब देते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं सर? शरीर के अनुसार। शरीर के अनुसार बोले तो अगर एक गाय अगर 10 ml, 15 ml, 20 ml। अच्छा, इस टाइप से करके। और उसके अलावा डीवॉर्मिंग यानी कीड़ी की दवा कितने दिनों पर देते हैं इनको? समय समय पे देते हैं, जरूरत के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग, पहचान कर लेते हैं कि जरूरत आ गया है तो इसको दे देते हैं। और कीड़ी की दवा मतलब क्या हमेशा एक ही देते हैं या बदल बदल के देते हैं? नहीं, फिलहाल एक ही कंपनी को हम लोग देते हैं, जो अच्छा लगा वही ला कर देते हैं। और उसके बाद लिवर टॉनिक वगैरह भी देते हैं? हाँ हाँ, देते हैं। कितने दिनों तक देते हैं सर? वो लीवर टॉनिक हम लोग 1 महीना तक देते हैं, फिर उसको गैप कर देते हैं। अच्छा। 2 महीना फिर नहीं देंगे, फिर 1 महीना देंगे, फिर 2 महीना नहीं देंगे। तो ये पशुओं की खरीदारी मतलब कहाँ से करते हैं? हम लोग पशु गांव घर में घूमते हैं, घूम अगर कहीं जाते हैं देख लेते हैं तो ले आकर बांध देते हैं। अच्छा। तो अगर 20 लीटर की पशु है तो कितने रेंज में मिल जाती होगी? अभी के डेट में एक लाए हैं 20 लीटर का पशु, वो 65,000 में लाए थे। अच्छा। उस पशु को किस पशु की बात कर रहे हैं? वो 2 नंबर। अच्छा, 2 नंबर जी। ये 65,000 में इसका कितना दूध बताया जाएगा आपको? 20 kg। अच्छा, किसान के पास से खरीदे? जी, किसान के पास। और 28 लीटर वाली पशु कौन सी आपकी? ये है, ये है। ये कौन सी ब्यात की है? ये तीसरा बड़ा हुआ। हम पहले उठे में लाए थे। अच्छा, पहले तीसरा हुआ। अच्छा, तो अब हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बछिया वगैरह नहीं तैयार करना पसंद करते हैं, तो क्या आपका क्या इसमें मानना है, जैसे गाय का बछिया नहीं तैयार करना या कुछ ऐसा? देखिए, गाय का बछिया तैयार करने में वो भविष्य की बात हो जाती है जी। हम अभी लाए थे, हरियाणा से लाए थे 16 बाछे। अच्छा, 16 बाछी हरियाणा से? कौन कौन सी लेकर के आए थे सर? क्या कौन कौन सी हरियाणा से बछिया? सब जितना है सब है। अच्छा, हरियाणा की सारी बछिया? ये घर का है। अच्छा। हाँ, ये घर का है और घर का हो गया और यहाँ एक घर के है। अच्छा। ये घर के है, ये घर के है। अच्छा, ये सब पंजाब का है। 1, 2, 3, 4, 5 वो घर की है। अच्छा, ये घर की है जी जी, बाकी सब पंजाब से लेकर आए थे। तो पंजाब से कितनी गाय लेकर के आए थे?
हम पंजाब गए थे तो उस समय लाए थे 4 भैंस लाए थे, 2 गाय लाए थे और 16 बाछी लाए थे। अच्छा, तो 16 बछिया अभी माँ बनी है नहीं बनी है? हाँ बनी है, जिसमें 4 बनी है, 1, 2, 3 अच्छा। 4, 5 बने। तो मतलब वहाँ कितना आपको बताया गया था और यहाँ पे उनका क्या परफॉर्मेंस है, इसके बारे में थोड़ा सा? नहीं, 2 सेक्सेज नहीं निकला उनके बताने के अनुसार। अच्छा, बाकी सेक्सेज है, बाकी अच्छी है। हाँ। मतलब वहाँ कितने लीटर वाली आप उठाए थे? वहाँ बोले थे कि पहला ब्यात में आपको 18 लीटर प्लस करेगा। अच्छा, तो 4 तो कर रहा है मगर 2 नहीं किया। अच्छा, 2 नहीं किया। 2 नहीं किया। अच्छा, वो नीचे रह गया। तो अगर कितना बछिया लेकर के, 16 बछिया जी, 16 बछिया का खर्चा कितना आ गया था? एक बछिया को हम लोग खरीदे थे यहाँ ला कर, पड़ा था हम लोग को 22,000 रुपया। अच्छा, 22,000 रुपया जी। कितने महीने के लेकर के आए थे बछिया? कोई 7 महीने का था, कोई 8 महीने का था, कोई 10 महीने का था। और यहाँ पे आके समय से कंसीव कर गई? हाँ हाँ, जिसमें 2-4 नहीं की है। अच्छा, बाकी तो सर जनरली हम देखते हैं कि जो हमारे डेयरी फार्म में हमने देखा है कि थनैला का बहुत समस्या होता है, बहुत ज्यादा है, तो क्या आपके पास भी होता है? हाँ हाँ। अच्छा, तो उसका कैसे उपचार होता है सर? उपचार हम लोग ध्यान में रखते हैं कि थनैला अगर हो गया तो उसका उपचार में जो दवा है उसको दवा सब समय देते हैं। मतलब देसी उपचार करते हैं या डॉक्टर को बुला करके कराते हैं? नहीं, डॉक्टर के बुला करके कुछ देसी उपचार है। अच्छा, जैसे गेहूँ लगाना, हाँ वो भी करते हैं, प्लस डॉक्टर भी करते हैं। देसी उपचार में क्या करते हैं सर? देसी उपचार में है कि ठंडा तेल आता है जी, उसको लगा देते हैं, लाल गेहूँ रहता है उसको पका के लगा देते हैं। अच्छा, हाँ सही हो जाता है? हाँ सही होता है। तो 4 साल से कर रहे हैं सर, तो जैसे पशु का रिपीट करना भी एक समस्या है, जैसे पशु एक बार में नहीं मानती है, 2 बार में नहीं मानती है, तो क्या ऐसा? मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 है। अच्छा, 2 जो है रिपीट करती है ना, तो कोई एक बार में सब चीज अच्छा से अभी चला। अच्छा, एक बार में सब कर? हाँ, और साल में बच्चा दे देती है। एक साल में एकदम बिल्कुल, अभी तक धोखा कोई जानवर 1-2 दिया है मगर और कोई नहीं दिया। अच्छा, तो मतलब इसके पीछे राज क्या है? बहुत सारे डेयरी फार्म पे हमने देखा है कि एक पशु जो 8-8 बार रिपीट कर जाती है, आपका मतलब क्या? जिसके देखे कारण है? नहीं, खान पान नहीं, कारण है, अनुभव के कारण है। जैसे एक डॉक्टर साहब से बुला के उनसे सलाह लिए थे और उनसे पूछे तो उन्होंने बताया थे कि जो निगार होता है ना, निगार अगर ढंग से अगर देख लीजिए सब समय उसको धराइए। निगार जो होता है ना कि लेट से भी चालू होता है और गंदा गिराता है, उसमें मत धराइए आप, यानी वो अच्छा चीज नहीं है। अगर वो शीशा की तरह चमक रहा है तो उसमें उसको धराइए। अच्छा, हाँ एकदम मानेगा, 100% मानेगा। तो अभी आपके पास टोटल भैंस और गाय मिलाकर के कितनी पशु है? 54। 54 है, तो 54 गाय और भैंस में दूध वाली कितनी है? अभी दूध कितनी दे रही है? दूध के मान के चलिए कि भैंस में मानिए तो अभी 3 दूध दे रही है, बाकी सब गभी है, सब अगले महीने से भी आना शुरू हो जाएगा। और गाय कितनी दूध दे रही है? 3 भैंस दे रही है, उसके बाद गाय? गाय दे रही है लगभग 18। तो कितना दूध निकाल रहे हैं किस पशुओं में से? अभी एवरेज निकाल लीजिए ना, 15 kg के एवरेज से निकाल लीजिए। मतलब फिर भी आपके फार्म पे कितना टोटल प्रोडक्शन होता होगा? अब हम कॉपी देख लेंगे तब बताएंगे, काहे कि प्रतिदिन का थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है, 10 लीटर इधर उधर। अच्छा अच्छा, तो किस रेट से दूध अभी बता रहे हैं आपका? फैट एक्सनेस पे जाता है, किस रेट से? फैट वही 42-43 पड़ता है। 42-43 किस समिति में दे रहे हैं? हम सुधा में, हम लोग सुधा में ही देते हैं जी। अच्छा, तो हमने सर देखा है कि बहुत लोग डेयरी फार्म करना चाहते हैं और पता चलता है कि डेयरी फार्म शुरू किया और फिर बंद कर दिया, तो उसके पीछे क्या कारण होता है सर? वो करने वाले का कारण पता नहीं क्या होंगे, या तो इच्छुक से नहीं किए होंगे, या तो तत्काल फायदा खोजे होंगे। अच्छा, प्याज लगाए कल से आना शुरू हो जाए। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, कोई भी बिजनेस में कम से कम 2-4 साल आपको देखना होगा। 4 साल पहले हम बहुत परेशानी में थे, जब डाले थे सेटअप तो बहुत परेशानी था। अच्छा, इसलिए कि उतना जगह नहीं बना हुआ था, उतना जगह नहीं था, पशु बीमार पड़ता था ज्यादा। अब सिस्टम हो गया है, सेटअप हो गया है, तो ठीक है। तो मतलब ये व्यवसाय आपको अभी 4 साल के अनुभव से आपको कैसा लगा सर? व्यवसाय बुरा नहीं है, बुरा एक ही चीज़ है जिसका रेट नहीं है। अच्छा, सुधा जब तक रेट नहीं बढ़ाएगी कोई किसान जिंदा नहीं रह पाएगा। अच्छा, मतलब किस मायने में, मतलब एक रेट के मायने में बुरा मतलब खराब है, जिससे कि लोग परेशान होते हैं। और अगर आपने कहा कि बुरा नहीं है तो किस मायने में बुरा नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा? पशु है, बुरा क्या है? दूध दे ही रही है, सब समय इसको खाना दीजिए। अब रह गई बात कि आपको उससे इनकम कितना है, वो आपके ऊपर है। खाना तो खुराक दीजिएगा तब तो उसका सुंदरता रहेगा, अब खुराक दीजिएगा नहीं, केवल दूध दीजिएगा तो खराब होगा। तो खराब इस मायने में है कि दूध का कीमत नहीं है, पैसा नहीं, उस इनकम से खिला नहीं रहे हैं। और अच्छा इस मायने में है कि हम जितना इसको खिलाएंगे उतना अच्छा दिखेगा, अच्छा दूध देगा। तो बहुत सारे पशु में हमने देखा है सर देर फंसने की समस्या होती है, तो क्या आपके साथ ऐसा कभी किसी पशु में हुआ, गाय या भैंस दोनों? अधिकांशतम है, अधिकांशतम। तो क्या उसका क्या उपचार करते हैं? वो निकलवाते हैं डॉक्टर बुला के। अच्छा, डॉक्टर बुला के निकलवाना पड़ता है, ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अच्छा, तो मतलब क्या उसका कुछ ऐसा नहीं दिखता कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? कुछ कारण नहीं पता चला आपको?
बहुत सारे डॉक्टर साहब को बुला के हम अनुभव लेते हैं और पूछताछ करते हैं तो बहुत सारे समस्या वो बताते हैं। अच्छा। ठीक है ना, मगर धीरे धीरे प्रकोप बढ़ते जा रहा है। अच्छा। तो समय पर कितने दिनों पर आपकी पशु हिट में आ जाती है सर? मान लीजिए आज बच्चा दे ना तो 2 महीना दूते हैं, 2.5 महीना फिर पाल धर लेते हैं। अच्छा, पहले ही हिट में देते हैं, दूसरा तीसरा में देते? नहीं, पहले के हिट में देते हैं। पहले हिट में देते हैं? हाँ, जितना बाछी है पहले का हिट में छोड़ के सबको क्रॉस कराते हैं। अच्छा, क्रॉस कराते हैं। अब गाय जो बच्चा दे दिया वो पहला हिट आया उसको धराते हैं। अच्छा, तो किस सीमन से करवाते हैं जनरली? एचएफ का मतलब ये बुल का रिकॉर्ड वगैरह नहीं? नहीं बुल का रिकॉर्ड। तो अगर युवा भाई है हमारे जैसा, अगर बेरोजगार है और चाहता है कि 2 या 4 गाय रख करके डेयरी फार्म की शुरुआत करे, तो उसको मुनाफा हो पाएगा कि नहीं? एकदम होगा, चाहे गाय जितना भी हो, मायने वो नहीं रखता है, मायने रखता है दूध का कीमत। अच्छा, तो हम एक जानवर भी अगर रखते हैं तो एक जानवर को 6 किलो दाना देते हैं जिसका कीमत 10 रुपया हो गया। अच्छा, ठीक है, उसको कुट्टी को मिलाते हैं तो 20 रुपया, यानी टोटल खर्च 50 रुपया हो गया। और दूध हमारा 60 रुपया का करा था, 10 रुपया तो फायदा है, चाहे 1 पोसे चाहे 1000 पोसे, ठीक है ना, मगर दूध का रेट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 50 रुपया खर्च गिर रहा है और आ जाए हमको 40 रुपया का दूध, तो 10 रुपया तो घाटा लगेगा। जी जी, बिल्कुल। चलिए सर, आपने काफ़ी अच्छी हमारे दर्शकों के लिए जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।